एसपीजी सुरक्षा को भारत की सर्वश्रेष्ठ सुरक्षाओं में से एक माना जाता है। एसपीजी सुरक्षा भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री को प्रदान की जाती है। इसकी फुल फॉर्म स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होती है। एसपीजी की सुरक्षा व्यवस्था पहले पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके निकटतम करीबियों को भी मिलती थी, लेकिन कुछ साल पहले एसपीजी एक्ट में संशोधन कर दिया गया था। इसके बाद से ये सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री को ही मिलती है। एसपीजी की सुरक्षा व्यवस्था को बेहद ही चाक और चौबंद माना जाता है, लेकिन इसमें कितने जवान होते हैं इसकी संख्या निश्चित नहीं होती। खतरे की आशंका को देखते हुए ये संख्या ऊपर नीचे भी होती रहती है। एसपीजी के बेड़े में गाड़ियां और हवाई जहाज भी शामिल रहते हैं। पीएम की सुरक्षा में हर दिन 1.17 करोड़ रुपए खर्च होता है। एसपीजी का बजट लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2014-15 में जब मोदी सरकार आई थी तब एसपीजी का बजट 289 करोड़ रुपए सालाना था। 2015-16 में ये बढ़कर 330 करोड़ रुपए सालाना हो और वर्ष 2019-20 में एसपीजी का बजट 540.16 करोड़ रुपए सालाना था। उस समय प्रधानमंत्री मोदी के अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी एसपीजी सुरक्षा मिलती थी। यानी हर एक की सुरक्षा पर साल भर में लगभग 135 करोड़ रुपए खर्च होते थे। वर्ष 2021-22 में एसपीजी का बजट लगभग 429.05 करोड़ रुपए सालाना था। अभी सिर्फ पीएम मोदी को ही एसपीजी सुरक्षा मिलती है, यानी उनकी सुरक्षा में हर दिन 1.17 करोड़ रुपए और हर घंटे में 4.90 लाख रुपए और हर मिनट में 8,160 रुपए खर्च होते हैं। एसपीजी कमांडो की सुरक्षा चार स्तर की होती है। पहले स्तर में एसपीजी की टीम के पास सुरक्षा का जिम्मा होता है। एसपीजी के 24 कमांडो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हर वक्त तैनात रहते हैं। कमांडोज के पास FNF 2000 असॉल्ट राइफल होती है, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और दूसरे अत्याधुनिक हथियार भी होते हैं। प्रधानमंत्री बुलेट प्रूफ कार में सवार रहते हैं। काफले में दो आर्मर्ड गाड़ियां चलती हैं। 9 हाई प्रोफाइल गाड़ियों के अलावा एम्बुलेंस और जैमर भी होता है। पीएम के काफले में डमी कार भी चलती हैं और काफले में करीब 100 जवान शामिल होते हैं। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। इसके बाद वर्ष 1988 में संसद में एसपीजी एक्ट पारित किया गया और एसपीजी का गठन हुआ। उस समय भी मौजूदा प्रधानमंत्री को ही सुरक्षा देने का प्रावधान था, पूर्व प्रधानमंत्रियों को नहीं। यही वजह थी कि 1889 में वीपी सिंह की सरकार ने राजीव गांधी का एसपीजी कवर हटा दिया था और सन 1991 में राजीव गांधी की भी हत्या हो गई थी। इसके बाद एसपीजी कानून में फिर से संशोधन और प्रावधान किया गया कि पूर्व प्रधानमंत्रियों को और उनके परिवार को पद से हटने के 10 साल बाद तक एसपीजी की सुरक्षा मिलेगी। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने वर्ष 2003 में इस कानून में फिर से संशोधन किया। संशोधित कानून के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री को पद छोड़ने के 1 साल बाद तक ही एसपीजी कवर मिलेगा। कानूनन मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री पद छोड़ने के 1 साल बाद एसपीजी कवर हट जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने 4 साल बाद एसपीजी सुरक्षा हटाई। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार ने कानून में फिर से संशोधन किया, जिसमें प्रावधान है कि सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री को ही एसपीजी की सुरक्षा मिलेगी।